पीलू चिड़िया को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी लोहे के औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ सुंदरी उन औजारों को जंगल में बेचकर आती थी। पीलू चिड़िया उन दोनों की गोद ली हुई बेटी थी और वे लोग एक पेड़ की डाल में साथ साथ रहते थे। अरे पीलू, तूने सुबह से कुछ बनाई है कि नहीं? भूख से पेट जोर जोर से दुख रहा है। हाँ माँ, मैंने ये देखिए आज एक नई डिश बनाई है। अरे ये चावल में क्या डाल दी है तूने? ये बिरयानी है माँ, मैंने आज ही सीखी हूँ, एक बार टेस्ट करके तो देखिए। अरे पीलू बिटिया, तू खाने के अलावा कुछ और काम में भी ध्यान दिया कर। जब देखो कुछ न कुछ खाने का बनाती ही रहती है। एक दो साल बाद तेरी शादी भी तो करनी है, कुछ घर के काम भी तो सीख ले। ओहो, अरे तू तो शर्मा गई। अच्छा चल जा, बाहर जा और भट्टी गरम कर, लोहा पीटना है। पीलू बहुत गुणवान बच्ची है, हमें उस पर गर्व है। वो कुछ ना कुछ नया पकवान हमेशा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हम लोग इतने रईस नहीं हैं। अगर रोज रोज इतनी महंगी खाने की चीजें बनेंगी तो पैसे कैसे बचेंगे? चिंता क्यों करते हो जी, बच्ची का भाग्य है, उसके भाग्य में जो होगा वो उसे भगवान जरूर देंगे। मेरे बस की बात होती तो उसे 10वीं कराकर घर में नहीं बैठाता और आगे पढ़ाता। वैसे हमारी पीलू जिस घर में भी जाएगी उस घर को बहुत खुश रखेगी, बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए उसके लिए। अरे हम गरीब लोग हैं, गरीब पेड़ में रहते हैं, गरीब घोंसले में रहते हैं, लड़का तो ऐसा ही देखना पड़ेगा ना। जब भी पीलू चिड़िया की माँ की तबीयत खराब हो जाती थी तो पीलू चिड़िया पेड़ की एक डंगाल पर औजारों को बेचने बैठ जाती थी। एक दिन उसे वहाँ भोलू मिला। भोलू उससे कहता है, अरे पीलू तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये अब मेरे पापा द्वारा बनाए गए औजार यहाँ पर बेच रही हूँ। ये औजार क्यों बेच रही हो? ये हमारा पेशा है भोलू, तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, फिर ये काम क्यों कर रही हो? मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ा दिए, वही हमारे लिए बड़ी बात है। वैसे भी लड़कियों की उतनी पढ़ाई कहाँ होती है, यही तो हमारी समस्या है, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाते नहीं है। खैर ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? यही पास में ही हमारा घोंसला है। वैसे तुम्हें किस बात का शौक है? मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। अरे तो तुम आलू के पराठे, पिज्जा, बिरयानी, जो भी तुम्हें खाना बनाना आता है वो बना कर बेचो। ये औजार क्यों बना के बेच रही हो? औजार के काम से तुम ज्यादा कमाने लगोगी। पीलू चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद जंगल में एक तूफान आता है। पीलू चिड़िया के पिताजी उस तूफान में फंस जाते हैं और उनकी जान बाल बाल बचती है, लेकिन इस तूफान की चपेट में आने के कारण उनका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। उनकी पत्नी सुंदरी सोचती है कि कैसे अब आगे घर चलेगा। सुंदरी कहती है, आप चिंता मत कीजिए जी, हम आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। अरे लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, पीलू की शादी भी तो करनी है। पीलू इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुई और वो अपने पिताजी के पास आकर बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं और मेहनत करूँगी और मैं और माँ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पीलू की बात सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा तू इतनी छोटी है, तू क्या क्या करेगी? पीलू कहती है, पिताजी जब तक पिताजी आप ठीक नहीं हो जाते मैं घर के बाहर आलू के पराठे, पिज्जा बनाकर बेचा करूँगी। अरे पीलू ये काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे? पीलू समझदारी से जवाब देती है, पिताजी जब मैं जंगल में औजार बेचती हूँ तब क्या कोई कुछ कहता है? हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगले दिन पीलू भट्टी पर पिज्जा बनाती है और अपने माँ पिताजी को कहती है, माँ पिताजी ये पिज्जा एक बार खा के देखिए कैसा बना है। पीलू के माँ और पिताजी उस पिज्जा को खाते हैं। पीलू चिड़िया की तारीफ करते हैं, अरे वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं खाया था, अब मैं यही काम करूंगी। पीलू की माँ कहती है, लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ मुझे ये सलाह भोलू ने दी। ये भोलू कौन है? माँ भोलू मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। इस तरह पीलू चिड़िया पिज्जा और आलू के पराठे बेचने लगी और जो भी पक्षी उसके यहाँ पिज्जा और आलू का पराठा खाता वो उसका फैन हो जाता। इस तरह से पीलू चिड़िया धीरे धीरे अपनी मेहनत से प्रसिद्ध होने लगी। दूर दूर से पक्षी पीलू चिड़िया के पास पिज्जा और पराठा खाने आने लगे और उसके पास काफी
पैसा जमा हो गया। फिर एक दिन पीलू चिड़िया अपने पिताजी को लेकर बड़े डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहता है, इनका इलाज तो हो जाएगा लेकिन बहुत खर्चा आएगा, महंगी दवाइयाँ लगेंगी। कोई बात नहीं डॉक्टर जी, जितना भी पैसा लगे आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। वाह पीलू, तेरे खाने से तो हमारी किस्मत ही बदल गई, अब तू और अब बड़ी दुकान खोल। जैसे जैसे पीलू की आमदनी बढ़ने लगी, पीलू और उसके परिवार का रहन सहन भी बदल गया। पीलू अब एक नए घोंसले में रहती थी। एक दिन भोलू उससे मिलने आता है। भोलू को पीलू का परिवार पसंद करता है और इस तरह से पीलू और भोलू की शादी हो जाती है। चंबल नगर में गोलू नाम का एक बच्चा था। उसके घर में एक शरारती चूहा घुस गया। वह चूहा बहुत छोटा सा था मगर बहुत शरारती था, घर भर दौड़ता। गोलू चूहे को देख लेता है और मम्मी को कहता है, माँ घर में चूहा घुसाया है। अरे गोलू, मैंने तो कहीं नहीं देखा, आपको कहाँ नजर आया? मेरे रूम में दौड़ता हुआ मैंने देखा है माँ। तो माँ सोचती है, ये तो बच्चा है, इसको तो शायद ख्याल आया होगा कि कोई चूहा दौड़ रहा है, तो उसकी बातों को नेगलेक्ट कर देती है और अपने काम में लग जाती है। एक दिन वो चूहा गोलू की किताब कुतर देता है, कुछ कपड़े भी कुतर देते हैं। तब गोलू आके उस किताब और कपड़ों को माँ को दिखाता है। माँ माँ देखो ना, मेरे किताब और कपड़े दोनों को काट के कुतर दिया। तब माँ को लगता है कि गोलू सच बोल रहा है। माँ घर भर ढूंढती है मगर चूहा नहीं मिलता। चतुर चूहा गोलू की बिस्तर के नीचे जाके छुप जाता है। अब चूहे की नजर पड़ी गोलू की माँ के खाने पे। गोलू की माँ जो खाना बनाती और बिना ढके रख देती, वह चूहा उसे भी चट कर जाता था। चूहा खा पीकर बड़ा हो गया। गोलू की मम्मी किचन में आती है और देखती है, अरे मैंने तो इसको ढका था, शायद लगता है मैं भूल गई, इसीलिए इस चूहे ने ना नाक में दम कर रखा है, ये पूरा खाना फेंकना पड़ेगा। तभी वहाँ पे गोलू पहुँचता है और कहता है, चूहा जब छोटा था तभी मैंने कहा था लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। सच है गोलू, मगर मैं भी तो ट्राई कर रही हूँ इस चूहे को बाहर निकालने की, हाथ में आता ही नहीं, पता नहीं घर कहाँ बनाया है। इनकी बातों को चुपचाप सुनते हुए चूहा हंसता है और अपना घर जो कि गोलू की बिस्तर के नीचे है वहाँ पे जाके फिर से छुप जाता है। एक दिन गोलू की मम्मी ने एक बोतल में शरबत बनाकर रखा। शरारती चूहे की नजर बोतल पर पड़ गई। चूहा कई तरकीबें लगाकर थक गया मगर बोतल खोल नहीं पाया। मगर चूहे ने भी ठान लिया था कि शरबत पीना है। चूहा बोतल पर किसी भी तरह से ढक्कन को खोलने में सफल हो जाता है। अब उसमें मुंह घुसाने के लिए कोशिश करता है। बोतल का मुंह छोटा था, मुंह नहीं घुस पा रहा था। फिर चूहे को एक आइडिया आया, उसने अपनी पूंछ बोतल में डाली। पूंछ शरबत में गीली हो गई तो पूंछ को बाहर निकाल के उसे चाट चाट कर चूहे की पेट भर गया। जैसे चूहा अपनी पूंछ को चाट चाट के मजे ले रहा था, तभी किचन में गोलू की माँ पहुंच जाती है और गोलू को इशारे से बुलाती है, गोलू इधर आओ, देखो चूहा क्या कर रहा है। अरे माँ, ये चूहा तो बहुत होशियार निकला। मुझे भी यही आश्चर्य हो रहा है, इतनी तंग मुँह वाली बोतल से इसने जूस कैसे पिया। मामा, इस चूहे को ना हम अपने ही घर में रहने देते हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि मेहनत करने से कोई कार्य असंभव नहीं होता, ये नैतिक शिक्षा इस चूहे ने मुझे दिखाया। तो फिर माँ इसके लिए एक पिंजरा खरीदे। माँ और गोलू दोनों बाजार जाके चूहे के लिए एक सुंदर सा पिंजरा लेके आते हैं और उसको अपने घर में पालते हैं।